मुरादाबाद के गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में संस्थापक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह, महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा, डॉक्टर विशेष गुप्ता, बार काउंसिल के सचिव अभय कुमार सिंह, गुजराती जी के वंशज डॉक्टर एस सी चौधरी, ललित पोरवाल, अंशुल पोरवाल, जगमोहन पोरवाल, चंद्रमोहन पोरवाल, मनमोहन पोरवाल, जेके शाह, डॉक्टर संजय शाह, शरद शाह, शशि शाह तथा रंजना पोरवाल, यूनियन बैंक के मैनेजर गौरव शुक्ला तथा मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉक्टर सुनीता डी सिंह सहित समस्त महाविद्यालय परिवार ने महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री राय बहादुर गोकुलदास गुजराती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में श्री गुजराती जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने 1935 में एक सपना देखा था कि हमारी बेटियों को किस तरह शिक्षा के माध्यम से उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। ये समाज के प्रति उनके त्याग और तपस्या का प्रमाण है कि आज पूरा महाविद्यालय उनके स्वप्न को साकार कर रहा है और उनके प्रति श्रद्धावनत है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यद्यपि आज समाज में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है, पर अभी भी स्त्री पुरुष समानता की जरूरत है। उन्होंने स्त्रियों को लेकर अपनी सोच बदलने और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने महाविद्यालय तथा समाज के प्रति राय बहादुर गोकुलदास गुजराती जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि एक ऐसे समय में जब बालिका शिक्षा के प्रति हमारे समाज का नजरिया अत्यंत पिछड़ा हुआ था, उस समय दिव्य आत्मा गुजराती जी ने बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए आगे बढ़कर उनकी शिक्षा हेतु अपनी भूमि और भवन का दान दिया ताकि शहर की बालिकाएं यहां से उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश और समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। महाविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक इस शहर में अपनी गरिमा को बनाए हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुरादाबाद शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की बालिकाएं भी यहां शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्र में अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्राचार्या ने कहा कि हमें सतत विकास की ओर अग्रसर रहना है। देश की प्रगति के लिए आधी आबादी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महाविद्यालय की उप प्राचार्या प्रोफेसर अंजना दास ने गुजराती जी के व्यक्तित्व पर विधिवत प्रकाश डालते हुए उनके सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यों की चर्चा की। राय बहादुर गोकुलदास जी के वंशजों में से उनकी नाती डॉक्टर एस सी चौधरी ने उच्च शिक्षा, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के विषय में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय के सतत विकास हेतु प्राचार्या जी के प्रयासों की प्रशंसा की। गुजराती जी के नातिन शशि शाह ने भी अपने नाना जी के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की। डॉक्टर विशेष गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि शहर में इस महाविद्यालय ने महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रतिमान स्थापित किए हैं। ये दानशील गुजराती जी के महत्वपूर्ण योगदान का ही प्रभाव है कि आज उनकी 150वीं जयंती के अवसर भी उन्हें इतने सम्मान के साथ याद किया जा रहा है। शाम को लगता है कि आज कम से कम बहुत टाइम खत्म हो गया है। क्यों?
उसमें मेरे आपके पहुंचने से इसका मतलब नहीं बाकी लोग भी जो भी नहीं आ जाए, लेकिन कम से कम जब लेट आते हैं तो उनके मन में कहीं कहीं ये भी होता है कि मुझे समय से आना चाहिए। तो बिना कहे एक मैसेज देता हूँ, समय से आपको वापस। प्रोफेसर अपर्णा जोशी ने शिक्षा के क्षेत्र में संस्थापक गुजराती जी की दूरगामी सोच पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गुजराती जी एक व्यक्ति न होकर स्वयं में एक संस्था थे। कल हम नहीं रहेंगे लेकिन ये संस्था रहेगी, वे हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बनकर रहेंगे। प्रोफेसर किरण साहू ने महिला शिक्षा के प्रति उनकी सजगता और दानशीलता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैनेजर UBI गौरव शुक्ला ने गोकुलदास जी के मुरादाबाद क्षेत्र में शिक्षा संबंधी अवदानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस अवसर पर संगीत विभाग के निर्देशन में छात्राओं द्वारा हिंदी विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा अग्रवाल द्वारा रचित महाविद्यालय के कुलगीत का सस्वर गायन किया गया। साथ ही संगीत विभाग के निर्देशन में ईशा शर्मा, तेजस्वी शर्मा, रिया, निम्मी, सृष्टि आदि छात्राओं द्वारा वैष्णव जन तो तेहने कहिए, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी आदि भजन, चिट्ठी ना कोई संदेश जैसे भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में 2022 में मनोविज्ञान विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में स्वर्ण पदक विजेता छात्रा यशिका अरोड़ा ने महाविद्यालय की प्राचार्या एवं शिक्षिकाओं के प्रशंसनीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की मुख्य अनुशासिका प्रोफेसर कविता भटनागर एवं BEd विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर अंशु सरीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मैं प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, प्राचार्य गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय मुरादाबाद से हूँ और आज हमारे महाविद्यालय में स्थापना दिवस है और इस महाविद्यालय की नींव स्वर्गीय गोकुलदास जी ने, गोकुलदास गुजराती के नाम से वो जाने जाते थे, उन्होंने डाली थी। 1942 में ये कॉलेज जो है वो अपने स्वरूप में आया और ये सोचकर इस महाविद्यालय की नींव डाली गई थी कि यहाँ पर पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हों, उनके अंदर एक जागरूकता आए, क्योंकि वो समय ऐसा था जहाँ लड़कियों की शिक्षा पर इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन गोकुलदास जी ने अपनी दूरदृष्टि से इस बात को सोच लिया था कि कोई भी देश विकास, उन्नति और महान तभी बन सकता है जब वहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिले और उनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि एक गृहिणी जब शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है और अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वो स्वयं शिक्षित होता है।